फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आईफोन से इजीली आप फाइल ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर में। ठीक है फ्रेंड्स, या कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं आईफोन में। ठीक है, तो अभी मैं इसमें से फ़ोटो वीडियो वगैरह ट्रांसफ़र करना बताने वाला हूँ आईफोन से। तो मैं वायर के थ्रू बताऊँगा, और आप चाहे तो डायरेक्टली हॉटस्पॉट पासवर्ड या फिर व्हाट्सअप के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास वायर, और इसी से मैं आपको फाइल ट्रांसफ़र करना बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें एक वाला यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, हमने लगा लिया है, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं लगा लेता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया है, लग चुका है अच्छे से। और यहाँ पे आईफोन का जो फोल्डर है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाव वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ से अलाव हो गया। और इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं, ये रहा ये फोल्डर। अलाव करने के बाद फोल्डर को ओपन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आईफोन का स्टोरेज शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं एप्पल फ़ोन दिखा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और दिस पीसी पे क्लिक करना होगा। या तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा फोल्डर, आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिस पीसी पे जाना है, ये रहा दिस पीसी यहाँ पे दिखेगा आपको। और यहाँ से आपको इसमें से आपको इसमें डालना है या फिर इसमें से इसमें, ये हमारा पीसी का स्टोरेज है और ये हमारे आईफोन का स्टोरेज है। देख सकते हैं ये एप्पल फ़ोन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम कोई फ़ोटोज़ या वीडियोस हम फाइंड करेंगे और उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एप्पल वाले में आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे अंदर जाना है और यहाँ से किसी भी फोल्डर को आप फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं इजीली, और यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा आईफोन से जब हम किसी भी पीसी लैपटॉप में जब फ़ोटो वीडियो लेते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, पर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी अगर ये वायर अगर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आकर के आप इजीली पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आकर के आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक फ़ोटोज़ उठा के दिखा देता हूँ आपको। ये फ़ोटोज़ है, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला इमेज है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस पीसी पे हम क्लिक करेंगे और हम अपने फोल्डर में इसको पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर के नाम से होगा एक ऑप्शन, इस पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेस्ट करते ही आ जाएगा, देख सकते हैं हमारा आ चुका है। तो ये रहा हमारा फ़ोटो जो कि हमने अभी वीडियो जो कि हमने अभी कॉपी किया था। तो इसी प्रकार से आप फोटो एंड वीडियो ले सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से यहाँ से आप कॉपी करके इसको कहाँ रख सकते हैं, कॉपी करके अपने आईफोन में भी ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो रहा है कि इसमें से आईफोन में से तो आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर पीसी में से आईफोन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा ये सब फीचर्स का इस्तेमाल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।